नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल 2022 का तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है। आज इस मैच में आरसीबी के नए कप्तान फाफ डुप्लेसीज ने शानदार 88 रनों की पारी खेली। फाफ डुप्लेसीज ने पारी की शुरुआत करते हुए पहले कुछ ओवर धीमी गति से बल्लेबाजी की, लेकिन जब वो एक बार टिके तो उन्होंने पंजाब के गेंदबाजों में जबरदस्त तरीके से मार लगाई। इसके अलावा फाफ और विराट कोहली आईपीएल में पहली बार साथ खेल रहे हैं, जिन्हें देखने के लिए आरसीबी के फैंस काफी ज्यादा उत्साहित थे। लेकिन आज उन्हें मैदान में साथ देखकर सभी आरसीबी फैंस को कोहली और डिविलियर्स के ब्रोमैंस की याद आ गई। आज विराट कोहली मैदान में फाफ के साथ कुछ इस अंदाज में दिखाई दिए जैसे दोनों पिछले काफी समय से ही एक दूसरे के साथ खेलते आ रहे हों। दोनों खिलाड़ियों की एक तस्वीर मैच के दौरान सामने आई जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर को लोगों द्वारा खूब शेयर किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस तस्वीर में विराट कोहली फाफ डुप्लेसीज के गले में हाथ डालकर उनके साथ मुस्कुराते हुए दिखाई दिए हैं। ये बताता है कि दोनों ही खिलाड़ियों में कुछ ही समय में काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। आपको बता दें कि आज दोनों ने पहली बार साथ बल्लेबाजी करते हुए दूसरे विकेट के लिए 118 रनों की साझेदारी लगाकर दी, जिसके बदौलत आरसीबी की टीम 200 रनों के पार पहुंच पाई। फाफ डुप्लेसीज ने पहले ही मैच में बता दिया है कि वो अपने पिछले सीजन के फॉर्म को बरकरार रखना चाहेंगे। पिछले सीजन चेन्नई के लिए खेलते हुए उन्होंने 633 रन बनाए थे। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।